हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता स्टूडियो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं किसी भी पैकेजिंग बॉक्स से। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे एनी पैकेजिंग बॉक्स, रूलर फॉर मेजरमेंट्स, एनी ग्लू और गम टू स्टिक, पेंसिल, scissors, paper cutter, empty paper or foil roll, decorative sheets. Here I have used an old invitation card. सबसे पहले हम बॉक्स को कुछ इस तरीके से कट करके शेप दे देंगे, फिर एक शीट को बॉक्स के बेस के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरी शीट लेकर बॉक्स के इस हिस्से को भी कवर कर लेंगे और फिर इसी तरह से हम इस बॉक्स को बाहर और अंदर की तरफ से पूरा कवर कर लेंगे। अब हम पेपर रोल को ऑर्गेनाइजर के बैक की हाइट के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, जो फिर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इस कट किए हुए रोल के पीस को एक कलर्ड टेप या पेपर से पूरा कवर कर लेंगे और फिर इसे ऑर्गेनाइजर के बेस पर कुछ इस तरह से चिपका देंगे। इसके बाद मैं गोल्डन रिबन की हेल्प से ऑर्गेनाइज़र के सारे एजेस को कवर कर दूंगी, जो बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। क्यों दोस्तों, लग रहा है ना सुंदर? पर अभी हम रुकेंगे नहीं, इसे थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ गोल्डन बीड्स लिए हैं जिन्हें मैं इक्वल डिस्टेंस पर लगा दूंगी। दोस्तों, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आपको जैसा पैटर्न और शेप पसंद आए आप उस तरह से लगाइएगा। आफ्टर ऑल, दिल से किया हुआ काम हमेशा ही अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। अब आप इसे डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र या फिर कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र या फिर डेस्क ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि इसे और भी किसी तरीके से यूज़ किया जा सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप बेल आइकन को क्लिक करना भूलना नहीं, वरना आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलेंगे और नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन, कीप स्माइलिंग।